ट्रांजिस्टर के दूसरे पार्ट के बारे में जिसका नाम है फैट। इससे पहले की क्लास में हमने जाना था कि बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और इसके अपने दो पार्ट होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एनपीएन है और पीएनपी है, और इसकी क्लास हम पहले ले चुके हैं। और आज हम जानेंगे फैट के बारे में। और जो फैट का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जैसे कि आप देख रहे हैं फैट में भी अपने दो स्टेप होते हैं, पहला हमारा जे फैट होता है, दूसरा हमारा मॉसफेट होता है। जे फैट का मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट बोले तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जे फैट में अपना एक टाइप है जिसको हम कहते हैं डी टाइप, और मॉसफेट में भी अपने दो टाइप हैं, हमारा एक डी टाइप और ए टाइप। अभी हम जे फैट में डी टाइप के बारे में देखेंगे, तो इसके भी अपने दो स्टेप हैं जिसमें एन चैनल और पी चैनल है, जबकि मॉसफेट के अंदर जो डी टाइप है उसमें हमारा एन चैनल पी चैनल है, और जो ई टाइप है इसके अंदर भी अपना एक एन चैनल और पी चैनल है। तो अब हम जानेंगे डी टाइप क्या है और ई टाइप क्या है। डी को हम बोलते हैं डिफ्लेशन मोड और ई को बोलते हैं इन्हेंसमेंट मोड, यानी कि हमारे लैपटॉप या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके अंदर ज़्यादातर यूज़ होने वाला हमारा इन्हेंसमेंट मॉसफेट होता है जो एन चैनल पी चैनल होता है, जबकि डिफ्लेशन मोड हमारा बहुत कम यूज़ में आता है, यानी कि 1% 2% के रूप में हमारे सर्किट में यूज़ होता है। तो इसका जो डिनोडिंग लेटर है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसका डिनोडिंग लेटर क्यू और यू होता है हमारे मॉसफेट का, और इसका जो मेजरिंग यूनिट है वो अल्फा न्यूमेरिक मोड है, यानी कि जो मॉसफेट के ऊपर जो नंबर लिखे रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये एन चैनल है कि पी चैनल है। और इसका अगर हम सिंबल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंबल बनाए हैं, और यहाँ पे डी टाइप मॉसफेट यानी कि डिफ्लेशन मॉसफेट के एन चैनल पी चैनल है। इसमें आप देखेंगे इसके सिंबल में गेट ड्रेन सोर्स, ये तो सभी में कॉमन होता है। आप यहाँ पे इसके सिंबल को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा ऑन कंडीशन में ही रहता है, यानी कि जो हमारे डिफ्लेशन मॉसफेट है चाहे वो एन चैनल है चाहे वो पी चैनल है, ये ऑन ही रहता है। जब इसके गेट पे वोल्टेज आएगी तब ये ऑफ होगा, यानी कि जब तक इसके गेट में कोई वोल्टेज नहीं होगी इन दोनों के मॉसफेट में तब तक ये साधारण मतलब ये ऑन ही रहते हैं, जैसे इनके गेट पे वोल्टेज आएगी तभी ये ऑफ कंडीशन में आएंगे। और एन चैनल में ये ड्रेन टू सोर्स की तरफ जाता है, और पी चैनल में सोर्स टू ड्रेन की तरफ को जाता है। ये तो था हमारा डिफ्लेशन टाइप मॉसफेट। और जो आप इन्हेंसमेंट मॉसफेट देखेंगे उसमें ये एन चैनल और ये पी चैनल, आप इसमें देखेंगे यहाँ पे इसके सिंबल में थोड़ा सा फर्क है। आप देखेंगे यहाँ पे कट के निशान बने हुए हैं जबकि यहाँ पे कोई भी कट का निशान नहीं है। इसका मतलब है जो हमारी वोल्टेज है वो ड्रेन से इस रूट से होते हुए सोर्स को जाएंगी, जैसे इसके गेट पे वोल्टेज आएगी तो यहाँ पे इनके बीच में कंडक्ट नहीं होगा, यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अब नहीं जाएगी, ये डिफ्लेशन। लेकिन जो हमारा इन्हेंसमेंट मॉसफेट है इसमें आप देखेंगे सिंबल में यहाँ पे कट के निशान बने हुए हैं, तो यानी कि इन्हेंसमेंट मॉसफेट को ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए होती है और ये नॉर्मली ऑफ कंडीशन में रहते हैं। आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे तो ये रिवर्स बायस होने के कारण वोल्टेज यहीं पे होल्ड हो जाएगी, और वोल्टेज अब यहाँ से इसको कोई ट्रैक नहीं मिल रहा तो ये वोल्टेज पास भी नहीं करेगा। तो जब इसके गेट पे वोल्टेज आएगी तभी हमारी ये कंडक्ट होगा और ये ड्रेन टू सोर्स को हमारा वोल्टेज जाएगा। तो ऐसा ही पी चैनल का भी है, पी चैनल के गेट पे भी वोल्टेज आएगी तभी ये हमारा ऑन होगा और ये सोर्स टू ड्रेन की तरफ को जाएगा। अब आप ये देखेंगे इसको कितनी वोल्टेज चाहिए जिसके वजह से ये ऑन हो या ऑफ हो। हमारे एन चैनल के लॉजिक यानी कि गेट के गेट वोल्टेज हाई होगी तभी हमारी ये वोल्टेज पास करेगा ड्रेन टू सोर्स, जबकि पी चैनल में लो वोल्टेज होगी तब जाके ये ऑन होगा, यानी कि ये सोर्स टू ड्रेन को तब जाएगा जब इसके गेट पे वोल्टेज लो होगी। अगर यहाँ पे वोल्टेज जैसे जैसे हम इसकी वोल्टेज को हाई करेंगे इसके गेट को, वैसे ही ये पी चैनल के गेट पे जैसे जैसे वोल्टेज को हम हाई करेंगे वैसे ये कंडक्ट होना कम कर देगा, यानी कि जैसे जैसे इसके गेट पे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे ही सोर्स टू ड्रेन की तरफ वोल्टेज कम जाने लगेगी, और हाई वोल्ट आने पर ये कट ऑफ मोड में आ जाएगा, जबकि एन चैनल के गेट पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी ये कंडक्ट और अच्छा करने लगेगा, और जैसे जैसे वोल्टेज लो होगी इसके गेट में तो ये कंडक्ट करना बंद कर देगा और वोल्टेज पास नहीं होगी। यानी कि इन दोनों के ऑन होने के तरीके डिफरेंट हैं, दोनों के अलग हैं।
यानी कि एन चैनल के गेट पे हाई वोल्ट होगी तभी ये ऑन कंडीशन में आएगा, और पी चैनल के गेट पे हाई वोल्टेज होगी तो ऑफ कंडीशन में आएगा। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं एन चैनल ड्रेन टू सोर्स की तरफ को जाएगा जब ये ऑन होगा, और पी चैनल हमारा सोर्स टू ड्रेन की तरफ जाएगा। तो अब हम जानेंगे हमारे जो मॉस्फेट है इनका रियल शेप कैसा है। आप देखेंगे रियल शेप, अकॉर्डिंग टू रियल शेप देर आर फाइव टाइप मॉस्फेट। तो आप देखेंगे यहाँ पे थ्री लैग में हमें देखने को मिलेगा ड्यूल मॉस्फेट में देखने को मिलेगा, एट लैग मॉस्फेट देखने को मिलेगा ड्यूल मॉस्फेट एट लैग में देखने को मिलेगा, और सिक्स लैग में देखने को मिलेगा। अगर हम रियल शेप की बात करें जो हमारे SMD थ्री टाइप के हैं, तो आप डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में इस तरीके के मॉस्फेट को देखते होंगे, और जो हमारी सप्लाई होती है जिनमें सॉलिड टाइप मॉस्फेट लगे होते हैं उसमें आप इस तरीके के बड़े देखेंगे। सॉलिड टाइप से मेरा मतलब यह है कि जो कंपोनेंट हम PCB में ऊपर से लगाते हैं और नीचे को सोल्ड करते हैं वो हमारे सॉलिड टाइप कंपोनेंट है। SMD कंपोनेंट बोले तो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, यानी कि जिनको हम ऊपर से निकालते हैं मदरबोर्ड में और ऊपर से ही लगा देते हैं वो हमारे SMD मॉस्फेट होते हैं। तो ये आपने देखे नॉर्मली जो थ्री पिन में मॉस्फेट आते हैं और ये सॉलिड टाइप में। और एक लैग मॉस्फेट की बात करूं तो आप डेस्कटॉप के या लैपटॉप के मदरबोर्ड में इस तरीके के मॉस्फेट बहुत सारे देखते होंगे, और इनके डिफरेंट डिफरेंट और भी शेप आते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे जो नई जनरेशन के लैपटॉप के मदरबोर्ड हैं उनमें मॉस्फेट के शेप बहुत छोटे होते जा रहे हैं। तो जो पहले के बोर्ड थे उसमें सबसे पहले देखेंगे एट लैग मॉस्फेट इस तरीके का होता था, और फिर उसके बाद ये फिर वो चिप में आ गया और इससे भी छोटे छोटे आ गए हैं। और आप देखेंगे सिक्स लैग में आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6 ये ड्रेन की पिन होती है कॉमन, और इसके बाद इसका पिन नंबर 3 हमारा गेट होता है और पिन नंबर 4 हमारा सोर्स होता है। बेसिकली अगर बात करें जितने भी हमारे मॉस्फेट हैं, मॉस्फेट 3 लैग टर्मिनल का होता है, यानी कि हमारे मॉस्फेट में 3 पिन ही होती हैं गेट ड्रेन और सोर्स। और चाहे वो कितने भी पिन का हो, चाहे वो ड्यूल हो, अगर वो ड्यूल होगा तो उसमें 2 गेट होंगे, 2 सोर्स होंगे, 2 ड्रेन हो सकते हैं, है ना। तो अब हम ड्यूल मॉस्फेट के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा ड्यूल मॉस्फेट है, इसमें आप देखेंगे ये 8 लैग मॉस्फेट है, और पिन नंबर 1 देखेंगे S2 यानी कि सोर्स 2 है, पिन नंबर 2 हमारी गेट 2 है, पिन नंबर 3 हमारा S1 यानी कि सोर्स 1 है, और पिन नंबर 4 हमारा G1 यानी कि गेट का 1, और यहाँ पे पिन नंबर 5 और 6 देखेंगे D1 है, और पिन नंबर 7 और 8 हमारा D2 है। यानी कि यहाँ ये ड्यूल मॉस्फेट है, इसमें 2 गेट है हमारे G1 और G2, और 2 सोर्स है हमारे S1 S2, और 2 ड्रेन है हमारे D1 और D2। ठीक हो गया। तो आपने देखा ये इस कम्युनिकेशन में हमें मिल सकते हैं हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके अंदर। अब बात आती है कि कैसे पता लगाएं कि हमारा मॉस्फेट एन चैनल है कि पी चैनल है। सबसे पहले अगर हम मल्टीमीटर के द्वारा मेजर करना चाहें तो मल्टीमीटर से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मॉस्फेट है ये एन चैनल है कि पी चैनल है, और दूसरा उसके ऊपर लिखे हुए नंबरों से भी हम पता लगा सकते हैं हमारा एन चैनल है पी चैनल है। और अगर आपको फिर भी आइडिया नहीं आ रहा तो गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि जो मॉस्फेट के ऊपर नंबर लिखा होता है उस नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि वो मॉस्फेट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा मॉस्फेट होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मॉस्फेट है मदरबोर्ड में लगा हुआ है, और ये 8 लैग मॉस्फेट हो चाहे 3 लैग मॉस्फेट हो, इन सभी में एक बात तो कॉमन है, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, और इसमें आपका एक पिन गेट, दूसरा पिन सोर्स, तीसरा पिन हमारा ड्रेन का होता है। तो आप देखेंगे मॉस्फेट में जो होता है यहाँ पे पहली नंबर की पिन हमारी गेट हो गई, ये हमारा ड्रेन हो गया, और ये हमारा सोर्स हो गया। और 8 लैग मॉस्फेट की बात करूँ तो जहाँ पे भी इसका गाइड पॉइंट होगा वहाँ से 3 पिन हमारी कॉमन होंगी, वो होगी सोर्स की, और उसके बाद यानी कि गाइड पॉइंट से जो लास्ट पिन है वो हमारी होती है गेट की, और जो ऊपर होती है 4 पिन हमारी ड्रेन की होती है, अगर ये सिंगल मॉस्फेट हुआ तो, है ना। अगर ये ड्यूल होगा तो फिर हमें इसको सिस्टमेटिक के थ्रू देखना होगा कि कौन सी पिन हमारी गेट की है, कौन सी पिन हमारी सोर्स की है, तो वो हमें सिस्टमेटिक से ही पता चलेगा। ठीक हो गया। तो फिलहाल हम पहले नॉर्मली जानते हैं कि हमारा ये एन चैनल है कि पी चैनल है। तो जैसे कि हमें पता है कि एन चैनल में डायोड की पोजिशन सोर्स टू ड्रेन होती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे
थ्योरिकल तो हम समझ गए हैं कि ये हमको इस तरीके का होता है सोर्स टू ड्रेन, लेकिन हमें जब मदरबोर्ड पे थोड़ी ना दिखेगा ये सिंबल हमें, तो यहाँ पे हम अपने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रख के चेक करेंगे। अगर हम अपनी मल्टीमीटर की रेड वायर को इसके सोर्स पे रखते हैं और ड्रेन पे हम ब्लैक वायर रखते हैं, अगर हमें मल्टीमीटर में वैल्यू शो हो जाती है तो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड बायस में वैल्यू पार हो गई है और ये हमारा एन चैनल होगा। जबकि इसको हम उल्टा रखेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ ब्लैक रख दें और यहाँ रेड रख दें तो कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यदि सोर्स टू ड्रेन वैल्यू आ रही है और ड्रेन टू सोर्स वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि जब हम वायर को उल्टा करके रखते हैं तब वैल्यू नहीं आती है, तो इसका मतलब ये ओके है और ये हमारा एन चैनल मॉस्फेट है। जबकि पी चैनल में क्या होगा, जब हम इसके ड्रेन पे रेड वायर रखेंगे, क्योंकि जो हमारा पी चैनल का डायोड का पोजीशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये हमारा ड्रेन टू सोर्स की तरफ जाता है। अगर अब हम यहाँ पे रेड वायर रखेंगे ड्रेन पे और सोर्स पे रखेंगे हम अपनी ब्लैक वायर और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और तार को जब उल्टा कर देंगे, जब रेड को हम इसके सोर्स पे रखेंगे और ब्लैक को हम इसके ड्रेन पे रखेंगे, तो ये रिवर्स बायस होने के कारण ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये पी चैनल है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं हमारा एन चैनल है कि पी चैनल है। और यहाँ पे अगर हम थ्री लेग वाले को चेक करना चाहें तो यहाँ पे भी जैसे कि आप देख रहे हो ये सोर्स है, ये ड्रेन है। अगर ये एन चैनल है तो आप देखेंगे एन चैनल में क्या होता है कि डायोड की पोजिशन कुछ इस तरीके की होती है। अगर यहाँ पर मेरी रेड वायर रखी और यहाँ पे ब्लैक वायर रखी और ये फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी कि मल्टीमीटर में वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये एन चैनल है। और जब मैं तार को उल्टा करके रखता हूँ, यानी कि अब मैं यहाँ पे ब्लैक वायर सोर्स में ब्लैक वायर रखूँगा और ड्रेन पे मैं रेड वायर रखूँगा, अब ये हमारा रिवर्स बायस होने के कारण कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एन चैनल है। अगर ये पी चैनल होगा तो फिर ये बिल्कुल इसका उल्टा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ डायोड की पोजीशन कैसी होगी, उसमें आपकी ड्रेन टू सोर्स की तरफ हमारा डायोड का पोजीशन होता है। एक तो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारा एन चैनल है कि पी चैनल है। दूसरा, इसमें जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे हमारे मॉस्फेट के ऊपर 4406 लिखा हो सकता है, 4407 लिखा हो सकता है, तो ये नंबरों से भी हमें पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 4406 नंबर है और ये इवन नंबर है, और ये 4407 हमारा ऑड नंबर है, तो यानी कि सम विषम, मतलब ऑड इवन से मेरा मतलब है सम विषम, यानी कि जो संख्या दो से कट जाती है वो हमारी सम संख्या होती है, उसको हम इवन कहते हैं। जो संख्या दो से नहीं कटती है उसको हम ऑड कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तीन नंबर है आपका, पांच नंबर है, दो से नहीं कटता तो ये ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ये जो सात नंबर है आप देख सकते हैं ये हमारा ऑड नंबर है, और जिसमें ऑड नंबर होगा वो पी चैनल मॉस्फेट होगा, और जिसमें हमारा इवन नंबर होगा यानी कि जो दो से कट जाएंगे वो हमारे एन चैनल मॉस्फेट होंगे। जैसे 4406 हो गया, ये मॉस्फेट हमारा एन चैनल मॉस्फेट होगा, और 4407 जैसे कि ऑड नंबर है तो ये हमारा पी चैनल मॉस्फेट होगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि ये हमारा मॉस्फेट एन चैनल है कि पी चैनल है। दूसरा, अगर फिर भी हमें नहीं पता चला तो हम सिस्टमेटिक के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये हमारा एन चैनल है कि पी चैनल है। अब बात करेंगे कैसे पता लगाएं ये सही है या ख़राब है। देखिए, अगर ड्रेन टू सोर्स या ड्रेन टू गेट अगर बीप आती है मल्टीमीटर में तो ये शॉर्ट है, इनके किसी भी टर्मिनल में आपस में कोई बीप नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर गेट चार्ज होगा तो ड्रेन और सोर्स के बीच में बीप आएगी, पर हम गेट को डिस्चार्ज कर देंगे यानी कि डीएक्टिवेट कर देंगे तो फिर इनके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर ड्रेन टू सोर्स बीप आ रहा है और गेट हमने डिस्चार्ज कर दिया है उसके बाद भी बीप आ रहा है तो हमारा मॉस्फेट शॉर्ट है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि मॉस्फेट हमारा सही है ख़राब है। तो आज की क्लास में हमने मॉस्फेट के बारे में जाना, और ये बेसिक क्लास है जो बिगनर स्टूडेंट के लिए मैं यूट्यूब के माध्यम से देना चाह रहा हूँ, और अगर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इससे भी अपडेट क्लास हम आपको उसमें देंगे, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ एकदम एक्सप्लेन नहीं हो पाती है, उसके लिए लेक्चर बहुत बड़े हैं, तो उसमें हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। ये तो हमारा थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप हमारे से पेड क्लास में जुड़ जाते हैं तो इन सभी का हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जहाँ पे आप इनकी वर्किंग देखोगे कि यानी कि एक मॉस्फेट को जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये किधर से किधर को वोल्टेज जा रहा है, कैसे ऑन हो रहा है, ये सारा मैं लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊँगा, जिसमें आपको और भी बेहतर समझ में आएगा।
देखिए, आप कोई सी भी डिवाइस रिपेयर कीजिए, चाहे वो लैपटॉप हो, प्रिंटर हो, मोबाइल हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब आप इन कंपोनेंट की पकड़ अपने पास अच्छे से रखते हैं, तभी आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि वो मशीन कैसे काम कर रही है। अगर आपको इन कंपोनेंट के बारे में अच्छे से नहीं पता है, तो आप मशीन को अच्छे से रिपेयर नहीं कर सकते। जितना आपने देखा है या सुना है या जिन्होंने बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत तो काम कर सकते हो, लेकिन फुल तरीके से, क्योंकि आप मशीन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। सामने वाले ने बताया कि ये काम नहीं कर रहा, तो ये बदल कर देख लो, तो आपने बदल के देख लिया। अगर वो चल गया, तो बस आपके लिए तो यही है कि बस ये रिपेयरिंग हो गई। लेकिन वो डिवाइस लॉजिकली काम कैसे कर रही है, उसमें इनपुट हुआ, इनेबल सिग्नल आया, तो उसने क्या आउटपुट दिया, है ना, तो वो आपको तो नहीं पता चला। लेकिन जब आप ये थ्योरिकल देखोगे, प्रैक्टिकल देखोगे, कंपोनेंट को अच्छे से सीखोगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को अच्छे से समझोगे, तो आप ये जान पाओगे कि मशीन कैसे काम करती है ना। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।